श्री कृष्ण का पूरा जीवन मैनेजमेंट की प्रयोगशाला जैसा है। कुरुक्षेत्र में दो सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय उन्होंने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो दुनिया में श्रेष्ठतम है। सवाल यह है कि आज के दौर में श्रीमद् भागवत गीता से क्या सीखें? तो ये पहला सबक है, जीवन संघर्ष का दूसरा नाम। घबराना नहीं चाहिए, फिर चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए आपको डट जाना है। दूसरा सबक है, शिक्षा वही जो अज्ञान घटाए, कौशल को बढ़ाए, यानी पुरातन पंथी उन परंपराओं को छोड़ना जो समाज के लिए बेड़ियों का काम करती है। तीसरा सबक है, हालात कुछ भी रहें, धर्म और सत्य को न त्यागो, फिर चाहे विरोधियों से भरी सभा में शांति दूत बनकर शांति का संदेश देना या फिर महाभारत के रण से पहले गीता का ज्ञान। चौथा सबक है, तरक्की मिलने पर पुराने साथियों को न भूलो। इसकी मिसाल है द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण का अपने दरिद्र मित्र सुदामा को न भूलना। पांचवा और अहम सबक है, परम शक्तिशाली होने पर परोपकार का भाव, दूसरों को माफ कर देने का भाव, लेकिन जब बात धर्म पर आए तो सुदर्शन चक्र भी उठा लेना। आज सनातन पर विवादित टिप्पणी करने वालों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करारा प्रहार भी किया है, इसी पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। मुरलीधर से चक्रधर तक रची लीला अपार। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। भक्तों की श्रद्धा अपार, नारायण का अवतार। माखन चोर नंद किशोर घन घन श्याम रे, कितने तेरे रूप रे, कितने तेरे नाम रे। रास रचैया का जगत गुरु रूप, मनोहरी स्वरूप। बाके बिहारी, बाके बिहारी कजरा रे, तेरे मोटे मोटे नैन, हाय नजर ना लग जाए, ओए होए होए नजर ना लग जाए, ओए होए होए। राजनीति से युद्ध भूमि तक अद्भुत कौशल। सोलह कलाओं के संपूर्ण अवतार, श्री कृष्ण की महिमा अपार। हरी भरी धरती, हरो भरो उपवन, गूंज रहो सारो वृंदावन, गूंज रहा बरसाना, राधा का श्याम दीवाना, मेरे श्याम ने छेड़ा तराना, राधा का श्याम दीवाना। जन्माष्टमी के मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने खुले मंच से सनातन के विरोधियों पर करारा प्रहार किया है। सीएम योगी ने कहा है कि सनातन को कभी कोई नहीं मिटा पाया, चाहे बाबर हो या कोई और विदेशी आक्रांता, सनातन है और हमेशा रहेगा। न कहीं कमजोर करने के लिए उनके द्वारा भारत, भारतीयता, भारत की सनातन परंपरा पर उंगली उठाने का प्रयास हो रहा है, विरासत को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है, विरासत के प्रति समाज की दृष्टि को कमतर करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। लेकिन इनसे सब भूल गए कि जो सनातन नहीं मिटा था रावण के अहंकार से, जो सनातन नहीं टिका था कंस के हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा था बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से, वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा? आज इनको स्वयं अपने कृत्यों पर लज्जित होना चाहिए। मानवता का धर्म जो सनातन धर्म है, उस पर उंगली उठाने का मतलब मानवता को संकट में डालने का कुत्सित प्रयास। याद करिए, दुनिया की कौन सा ऐसा मत, मजहब और संप्रदाय है जिसको उसके संकट के समय
पलक पावड़े बिछा करके उसके स्वागत के लिए सनातन धर्मावलंबियों ने उनकी सुरक्षा और उनके संरक्षण का कार्य न किया हो। हमने कभी नहीं कहा कि हम विशिष्ट हैं। कोई सनातन धर्मावलंबी कभी ये नहीं कहता है कि हम विशिष्ट हैं या हम ही सब कुछ हैं, कभी नहीं कहा। हमने तो कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है और विद्वान लोग उसको अलग अलग, महापुरुष लोग उसको अलग अलग भावों से देखते हैं, अलग अलग रास्ते से इसका अनुकरण करते हैं। इस सब के बावजूद भी अगर जिसकी समझ में नहीं आता है, अपनी मूर्खता वश वह अगर सूर्य की तरफ थूकने का प्रयास कर रहा है तो सूर्य पे उसका थूक नहीं पहुंचेगा, उसके सिर पे स्वयं गिरेगा और उसे उसको और उसकी आने वाली पीढ़ी को स्वयं लज्जित होना पड़ेगा। हमें भारत की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए, दुनिया को मानवीय कल्याण के मार्ग पर चलने वाली प्रेरणा देने वाले सनातन धर्म की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। ये भारत की राष्ट्रीयता का प्रतीक है, भारत को एक नई प्रेरणा देने का माध्यम है, दुनिया के अंदर मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला माध्यम बनता है। तो सनातन धर्म पर बीते दिनों जिस तरह के बयान दिए गए उस पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करारा प्रहार किया है और उनको जवाब दिया है। चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है, ओपी सिंह जी है बीजेपी प्रवक्ता, रत्नेश मिश्रा जी जुड़ गए हैं कांग्रेस के नेता हमारे साथ, इसके अलावा हमारे साथ विमल कृष्ण दास जी भी हैं, पीआरओ हैं इस्कॉन सोसाइटी के, यति मां चेतनानंद सरस्वती हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु डीपी शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं हिंदू धर्मगुरु, कंचन द्विवेदी जी हमारे साथ हैं हिंदू धर्मगुरु, आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सवाल रत्नेश मिश्र जी आपसे, उदयनिधि स्टालिन ने कहा डेंगू मलेरिया कोरोना की तरह सनातन धर्म को खत्म हो जाना चाहिए, ए राजा का बयान भी आपने सुना होगा, वो तो कह रहे हैं कि उदय निधि ने तो छोटी बात कही थी, उसको तो एड्स और लेप्रसी के बराबर उन्होंने कंपैरिजन लेवल पर रखा, और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिस धर्म का नाश रावण और कंस नहीं कर पाया ये सत्ता के परजीवी उसका क्या नाश करेंगे, उसका क्या बिगाड़ सकेंगे। आवाज आ रही है आपको रत्नेश मिश्रा जी? तो लगता है फिलहाल आवाज उन तक नहीं जा रही है। आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं ओपी सिंह जी का, बीजेपी प्रवक्ता हमारे बीच में। ओपी सिंह जी, प्रधानमंत्री मोदी ने अभी कहा था आप मंत्रिपरिषद के लिए कि जो भी अब सनातन धर्म को इस तरह टारगेट पड़ ले उसको बराबर जवाब दे तर्कों के साथ। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे बड़ा उत्तर दिया है, हमला बोला है उन नेताओं उन पार्टियों के लिए जो सरकार में आना चाहती हैं लेकिन सनातन को आए दिन अलग अलग तरह के अपशब्द और अपमानित भाषा से बुलाती हैं। आस्था जी, ये केवल मोदी जी या योगी जी जो बोल रहे हैं, ये भाषा इस देश के करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की भाषा है। हर हिंदू जवाब देने को तैयार बैठा है, लेकिन आस्था जी एक बात का बड़ा आश्चर्य है, ये 2024 लोकसभा चुनाव के पहले ये जो इंडिया घटक बना है इनमें होड़ मची है कि किस प्रकार से हिंदू धर्म सनातन धर्म को, अरे भाई योगी जी ने तो कहा ना जिस धर्म को रावण कंस हिरण्यकश्यप अपनी शक्तियां नहीं उसको हरा सकी और उसको विच्छेद कर पाई, जिस सनातन धर्म को बाबर औरंगजेब तैमूर रंग जैसी मुगल आक्रांता नहीं उसको नष्ट कर पाए। आप जानती है सनातन धर्म का इतिहास क्या है, वेदों के हिसाब से 17 लाख वर्ष पुराना जो है सतयुग का रहा, 12 लाख वर्ष त्रेता युग का रहा, 8 लाख वर्ष द्वापर युग का रहा और 5 लाख से अधिक वर्ष कलयुग का बीत रहा। आप बताइए कि 42-43 लाख वर्ष से जो सनातन धर्म है उसको उदयनिधि स्टालिन मिटा देंगे या ये जो इंडिया घटक बना। मैं कहता हूं ठीक है आपकी विचारधारा है, आप 2024 में जनता के बीच में आए भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करें, लेकिन हिंदुओं को गाली देकर के सनातन धर्म को गाली देकर के, और सुनिए एक तो एक पिता पुत्र स्वामी प्रसाद उधर खड़गे बोल रहे हैं, उनका बेटा प्रिया खड़गे बोल रहे,
और ये लोग ऐसे नहीं बोल रहे, ये सोची समझी रणनीति के तहत बोल रहे हैं। और ये जान लीजिए कि 2024 ठीक है, आप सवाल उठा रहे हैं कि सोची समझी रणनीति के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। सवाल पूछेंगे हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अगर जुड़े हुए हैं, पीसीआर क्लियर कीजिए, रत्नेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े भी हैं कि नहीं जुड़े हैं। ठीक है, जब कनेक्ट होंगे तो हम उनके पास चलेंगे। फिलहाल रुक करते हैं, विमल कृष्णदास जी हमारे साथ हैं, इस्कॉन के पीआरओ है। विमल जी, आज कृष्ण जन्माष्टमी मना रहा है पूरा देश, कृष्ण जी के व्यक्तित्व को लेकर चर्चा हो रही है, गीता के उपदेश की चर्चा हो रही है, सनातन को लेकर के चर्चा हो रही है। आपको लग रहा है कि मौजूदा वक्त में जब देश में चुनाव आने जा रहा है, एक परिपाटी सी बन गई है सनातन धर्म का इस्तेमाल, चाहे वो वार करने के लिए हो, अपमान करने के लिए हो, राजनीति के लिए जिस तरह से हो रहा है, क्या ये सोची समझी रणनीति है? इसका इसका राजनीतिक फायदा उठाती हैं कुछ पार्टियां? हाँ, देखिए, पॉलिटिक्स का नेचर तो यही है कि किसी भी समय बिना सोचे समझे लोगों के विचारों को ठेस पहुंचाना, उनकी मानसिकताओं को ठेस पहुंचाना, उनके बिलीफ सिस्टम्स को ठेस पहुंचाना, ये पॉलिटिक्स का अंग है। परंतु दुर्भाग्य है कि ऐसे समय पर जन्माष्टमी के अवसर पर एक करोड़ों लोगों हिंदुओं के विचारों को, उनके मन को ठेस पहुंचाना, ये पॉलिटिक्स नहीं है, इसको डर्टी पॉलिटिक्स बोलते हैं। हाँ, और ऐसा करना बहुत दुख की बात है, दर्द की बात है ऐसे विचार सुनने। और जब सनातन की बात होती है, सनातन हमारे शास्त्रों के अनुसार उसकी परिभाषा क्या है, जिसका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। इसको कोई भी जितना भी लांछन उठाए, जितना भी कीचड़ फेंके, इसकी कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों का अधिकार है, परंतु दूसरे को ठेस, हृदय को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। ये किसी के धर्म को इस तरह ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। और देश में लगातार एक ट्रेंड बन गया है कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना, उनका अपमानित तरीके से चित्रण करना, सनातन धर्म को लेकर सवाल उठाना, हिंदू धर्म को लेकर अलग अलग तरह की बातें करना, और बातें भी इसलिए कि शायद जो लोग बहुसंख्यक ना हो उनका वोट उन्हें मिल जाए, या बहुसंख्यक भी है तो जाति के आधार पर वो बट जाएं। ये सब हो रहा है क्या देश में? यति मां चेतनानंद जी, दिया गया है, लेकिन एक और भी बात है इससे आगे बढ़कर। आप पॉलिटिक्स के जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उनको उठाकर देख लीजिए, जिसने भी राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया वो आज कहीं दिखाई नहीं देते, और जिन्होंने भी इस देश में सनातन पर प्रहार करने का प्रयास किया, जैसा आज योगी जी भी कह रहे थे, ये आसुरी शक्तियां हैं। और ये क्योंकि आज सनातनी जो ऊर्जा क्षीण हो गई थी पिछले कुछ वर्षों में, वो प्रबल हो रही है, वो प्रचंड हो रही है, और उसी आसुरी वो तो ऐसे में जब आध्यात्मिक ऊर्जा सनातन की प्रचंड और प्रबल है, उस समय आसुरी शक्तियों का तिलमिलाना स्वाभाविक है। मैं तो स्टालिन का बयान हो या ए राजा का बयान हो या खड़गे के बेटे का बयान हो, मैं तो इसको ये समझती हूँ कि इसके पीछे एक गहन षड्यंत्र है जो लगातार किया जा रहा है सनातन को तोड़ने के लिए। इसकी जांच होनी चाहिए, इन लोगों को तलाकों के पीछे होना चाहिए। ये आजाद रहने लायक लोग नहीं है, ये धर्मद्रोही है और ये देशद्रोही भी है। भारत की भूमि पर खड़े होकर इस तरीके का बयान देना, ये अपने आप में विचारणीय प्रश्न है कि कैसे किसी की इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो भारत की भूमि पर खड़े होकर 100 करोड़ सनातनियों का अपमान करने की चेष्टा जुटा पाता है। ठीक है, डॉक्टर डीपी शास्त्री, कामना जन्माष्टमी का विप्रधेनु सुरु संत हिता लीन मनुज अवतार, ये चार चीज पे जब सनातन के ऊपर प्रहार होता है तो भगवान का कोई ना कोई स्वरूप, भगवान के कोई ना कोई ऐसी शक्ति सनातन के लिए खड़ी होती है, और भगवान आते भी हैं कि जितनी आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, इनकी बुद्धि जो भ्रष्ट हुई है, ये सब लोग मारी सुबाहु के तरह है। इनका यही काम है अपने क्षण भर के स्वार्थ के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए। आज महापर्व में महाअष्टमी जो है, माँ दुर्गा की तिथि है, कृष्ण का जन्म उत्सव है, सिद्ध योग है, पूरा दुनिया पूरा विश्व सनातन के लिए आगे बढ़ रहा है। सबको शांति चाहिए, सबको हाथ पांव फैला करके सनातन परिवार मानता है, जीने को कला सिखाता है, हमारे ग्रंथ को, रामचरितमानस को, गीता को, दुर्गा सप्तशती को, वेद को, पुराण को,
भद्रिम करणे भी सुनयाम देवा, इसे सुनने की मन में शांति आ जाती है। इससे हमारे प्राचीन सनातन को ऐसी बात कह रहे हैं और इसको खेर भी रहे समाज में। इनका तो देखिए जो होना होना ही है, जब नाश मनुष्य पे छाता है अलग विवेक मर जाता है। जिस व्यक्ति का पतन होने का समय आता है वो भगवान से द्वेष करता है, परमात्मा से द्रोह करता है, सनातन से द्वेष करता है। इनके पहले हजार वर्ष जितने भी आता था आई लोग राम को नाम मिटा नहीं सके, आज कैसे राम के नाम मिटा देंगे? आज जन्माष्टमी की बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। कौशल जी आपको भी, जैसे कि तो मैं कहूंगी कि ईश्वर जब भी आता है वो अपने सारे लोगों को समझता है, जो उसके विरोधी हो या फिर उसके जो अपने लोग हैं, जो प्रेम करने वाले लोग हैं वो भी। तो राम के बारे में द्रोह करने वाले लोगों को भी प्रेम ही करते हैं रावण या कंस। मैं तो यहाँ से थोड़ा सा पॉजिटिव भाव लेते हुए यही सोचती हूँ कि रावण और कंस की तरह भी ये सारे लोग भी है, तो ये द्रोह करके भगवान को अपना बना रहे थे, वो अपना तो बना रहे। जैसे आप सब लोगों ने सुना होगा, यदि माँ जानती ही है और बाकी सारे लोग भी जानते हैं कि चाहे जहर को प्रेम से पियो या फिर नफरत से, उसका मतलब ही होता है कि आपको मरना है, परिणाम मरना है। वैसे ही कृष्ण से राम से जो नफरत करने वाले लोग हैं, क्योंकि वो प्रेम से तो परमात्मा को पा नहीं सकते, तो यदि एक बहुत अच्छा माध्यम है कि नफरत ही कर लो वहां से वो पहुंच जाएंगे, तो इनको पहुंचना तो है नहीं। लेकिन ये जो मृत्यु लोग है ना, इसमें इनकी ये जो आस्था है ना, ये चलने वाली नहीं है। तो सबसे पहले मैं यही कहूंगी कि ये सारे लोगों को राजनीतिक तौर पे ये सारे बयानबाजियां धर्म के प्रति नहीं देने चाहिए, लेकिन वही बात है कि जाती रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तेन तैसे, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति ऐसी बन गई है इसलिए वो किसी प्रकार का भी ऐसे बयानबाजियां कर पा रहे हैं। मुझे लगता है सारी चीजों पर रोक होनी चाहिए। ठीक है विमल कृष्ण दास जी, आज चूंकि कृष्ण जन्माष्टमी भी है, हम कृष्ण जी की भी बात कर रहे हैं, ब्रह्मांड के सबसे बड़े मेंटोर, सबसे बड़े सखा, और परिचय देने पर आप आए तो शायद शब्दों की कमी पड़ जाए। अपने आप में एक संपूर्ण अवतार, 16 कलाओं में माहिर कृष्ण जी की जब हम बात करते हैं, उनके पूरे जीवन, उनकी कही गई बातें, गीता के उपदेश को जब हम याद करते हैं, तो ऐसे लोग क्या सीख सकते हैं? धर्म अधर्म किस तरह परिभाषित किया गया है? ऐसे लोग जो ईश निंदा करें या फिर बार बार किसी के धर्म या देवी देवताओं पर सवाल उठाएं, किसी एक विचारधारा को कोसें किसी निजी स्वार्थ की भावना से, गलत भावना से, तो उसके लिए क्या संदेश है? देखिए, उनके लिए संदेश तो एक सरल संदेश है, दो संदेश हैं। एक सरल संदेश जो भगवान श्री कृष्ण ने हमें महाभारत में करके दिखाया कि सबको समझाना चाहिए शास्त्र के आधार पर या ज्ञान के आधार पर या कॉमन सेंस के आधार पर, नैतिकता के आधार पर सबको समझाना चाहिए। अगर वो नहीं समझते तो दूसरा संदेश भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं किया, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ठीक है यति माँ चेतनानंद जी, आज चूंकि कृष्ण जन्माष्टमी है, हम कृष्ण जी को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं, सनातन पर भी बहस छिड़ी है देश में, और ये सब कुछ राजनीति के लिए हो रहा है। जी बिल्कुल आस्था जी, देखिए योगेश्वर श्री कृष्ण का जो सबसे बड़ा संदेश है वो उन्होंने महाभारत के बीच में जिस समय अर्जुन के हाथ कांपने लगे थे और उन्होंने अपने सामने जो सेना देखी वो सारे उनके भाई बंधु थे, तब उन्होंने कहा था हतो वा प्राप्तसि स्वर्गम जित्वा वो भक्ष से महीम, अर्थात उनका कहना था कि हे अर्जुन, इस समय ये नपुंसकों जैसी बात, जब युद्ध क्षेत्र सजा हुआ हो उस समय ये नपुंसकों जैसी बात तुझे शोभा नहीं देती है, इस समय युद्ध ही एकमात्र विकल्प है, और युद्ध अगर तू युद्ध से भागेगा तो तू कायर कहलाएगा, तुझे हानि लगेगी, अपयश का भागी होगा, और अगर युद्ध में रथ होगा और अपना कर्तव्य निभाएगा तो निश्चित रूप से लेकिन चेतनानंद जी उसी वक्त जो अर्जुन थे वो बहुत ही अपराध बोध में थे, उनको ऐसा लग रहा था, उनकी ये भावना थी कि हथियार उठाने के लिए कहा जा रहा है, अधर्म के खिलाफ या अधर्मियों के खिलाफ हथियार उठाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन वो कौन है, सब अपने ही तो हैं, अपने ही तो लोग हैं। बिल्कुल आस्था जी, लेकिन जब हमें लगता है कि धर्म पर प्रहार हो रहा है, धर्म क्या है, धर्म है आप
का आचरण ऐसा होना चाहिए कि आप किसी के किसी की आस्थाओं को ठेस ना पहुंचाएं, किसी के मन पर आघात ना करें, किसी की संपत्ति पर हानि ना पहुंचाएं। लेकिन ये लगातार जिस तरीके से सनातन पर प्रहार हो रहा है, तो अब युद्ध तो निश्चित ही है। हाँ, ये जरूर है कि आज का युद्ध विपरीत ठीक है होता था। और देखिए, सिर्फ इतना ही नहीं आस्था जी, इससे पहले योगेश्वर श्री कृष्ण सभा में जाते हैं और वहां पर कहते हैं हित वचन नहीं तूने माना। जब मैत्री का मूल्य ना पहचाना, दुर्योधन कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल, और उसके पीछे संदेश यही है कि जितनी मुमकिन कोशिश हो सबसे पहले समझाने की कोशिश करनी चाहिए, फिर संधि की कोशिश करनी चाहिए, और फिर भी कोई ना माने और खून बहाने पर उतारू हो तो फिर ताकत से उसका जवाब देना चाहिए। बिल्कुल। और कविता में इन पंक्तियों को, इस पूरे प्रकरण को बहुत खूबसूरती से जताया गया है, जो पंक्तियां भी आप पढ़ रही थी। कंचन द्विवेदी जी, कृष्ण जी के लिए यह भी कहा जाता है, उन्होंने कहा था जब वो गीता का संदेश दे रहे थे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युद्धानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। तो यहां तो वो अधर्म के खिलाफ, अधर्म के नाश के लिए खुद अवतार लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इसके संदर्भ को हम समझे तो धर्म अधर्म की परिस्थिति तो बनती रहती है। तो जहां अधर्मी है, जहां अधर्म की बात हो रही है, तो कौन वहां पर युग पुरुष बनकर या कौन वहां पर धर्म पुरुष बनकर उसको रोके और कैसे रोके, क्या सिखलाती है भागवत गीता? जी, धर्म पुरुष बनकर के जो लोग आते हैं ना, जैसे हमारे देश में अभी जिस तरीके से बातें चल रही हैं या जिस तरीके से लोग उतर के आ रहे हैं, तो मैं समझूंगी कि इस समय जो पूरा वातावरण देश में बना हुआ है आशा जी, उस प्रकार से देखा जाए तो पहले के लोग, आपको थोड़े दिन पहले का समय याद होगा कि सब लोग हमारे हिंदू धर्म में हिंदुत्व को छुपाने पे लगे हुए थे। कोई चोटी रख लेता था तब भी लोग छुपाते थे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा मजाक उड़ने लगे, कहीं लोग अगर अपने पांडित्य कर्म को लेकर के चलते थे, धोती कुर्ता भी पहनते थे ना, तो उसमें भी संकोच होता था। लेकिन जिस तरीके से अब सारे काम हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इन्हीं में से कोई ना कोई राम भी होता है, इन्हीं में से कोई ना कोई कृष्ण भी होता है। ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि भगवान खुद अवतरित नहीं होते, भगवान स्वयं नहीं आते, वो हमारे यहाँ पर किसी ना किसी रूप में हमें, हमारे ही और आप में वो सम्मिलित होकर के, हमें ही समाहित होकर के वो हमारे लोगों का कष्ट निवारण करते हैं। तो आज जो भी कीड़े मकोड़े जैसे लोग हैं, जो हमारे सनातन धर्म को मच्छर बोलने वाले हैं, मलेरिया बोलने वाले हैं, वो सभी कीड़े हैं, और एक दिन भगवान उनको बिल्कुल मॉर्टिन के जैसे भी, उनको जरूरत नहीं पड़ेगी मॉर्टिन भी लगाने की, वो एकदम से बहुत ही आसानी से सहज पलक झपकते ही ऐसे लोगों का संहार कर सकते, क्योंकि उनमें इतनी ताकत है। विशोध प्रत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय स्त्री कृष्णाय वयम नुमा, जो सच्चिदानंद है, सत्यगण चित्तगण आनंदगण है, कंचन द्विवेदी जी, डीपी शास्त्री जी, आपको चर्चा में एक बार फिर से लाते हुए, महाभारत का युद्ध अब तक विश्व का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। धर्म और अधर्म के बीच का वो युद्ध था, अधर्म पर धर्म की जीत का वो युद्ध था, पांचवा वेद महाभारत को कहा जाता है। इसके संदर्भों, इसकी घटनाओं, इसमें कहे गए क्यों दी गई सीखों और भागवत गीता से युगों युगों से लोग सीखते हुए आ रहे हैं। आप श्री कृष्ण के किरदार को अगर एक बार एनालाइज करके देखिए, कौरवों की तरफ उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा, वो पांडवों की तरफ थे, लेकिन हथियार उन्होंने नहीं उठाया। अधर्मी कौरवों को कहा गया, उसी अधर्म के खिलाफ पांडवों का वो युद्ध था जिसमें वो विजयी हुए, लेकिन श्री कृष्ण ऐसे रहे, उनकी मान्यता दोनों तरफ थी, उनका सम्मान, उनकी लीलाओं का सम्मान हर तरफ था, चाहे वो पितामह भीष्म हो, आचार्य द्रोण हो, खुद दुर्योधन हो, वो भी श्री कृष्ण की मर्यादा एक लज्जा रखते थे। धर्म और अधर्म के युद्ध में भी श्री कृष्ण के किरदार की मान्यता दोनों तरफ, क्या सीख देती है? देखिए, एक तो अग्नि, वायु, जल, सूर्य, मंत्र, पुराण, संत, ब्राह्मण को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही सनातन में प्रमाणित है। दूसरी चीज, भगवान कृष्ण 1 से 25 वर्ष धराधाम में रहे, 10 वर्ष बाल काल अवस्था रहा। भगवान की जो रणनीति थी, कार्यशैली थी, वो धर्म के प्रति थी। जब जब होई धर्म के हानि, बाणई अधम असुर अभिमानी, जब जब आसुरी प्रति संसार में बढ़ जाता है, तो भगवान कृष्ण की नीति, कृष्ण की कला और कृष्ण का बताया हुआ मार्ग हर व्यक्ति के जीवन में
सफलता का प्रतीक है। वो समय आ गया है आपके माननीय प्रधानमंत्री जी सनातन के लिए, धर्म के लिए, मंदिर शिवालय देवालय हर कंट्री में जाते हैं, इन लोगों को कोई मना थोड़े किया है, ये लोग जाते ही नहीं थे, ये तो पूरा किनारा कर दिए थे सनातन। ठीक है, तो कुल मिलाकर 2024 का जो सियासी महाभारत होने जा रहा है उसमें आज हम उस जगह पर हैं जहां पर धर्म की बात हो रही है, उस सनातन धर्म की, जिस पर विपक्षी दलों के अलायंस और उनके कई नेताओं और दलों की तरफ से लगातार प्रहार हो रहा है, अपमानित करने वाली बातें की जा रही हैं। दूसरी तरफ बीजेपी है, एनडीए है, सत्तारूढ़ दल, जिसका कहना है कि देखिए अब सनातन धर्म पर जो अनर्गल या अपमानजनक बात बोले उसको आप बराबर जवाब दीजिए। 2024 की जंग सनातन बचाने और सनातन पर सवाल खड़ा करने के मुहाने पर आ चुकी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मां बहस में फिलहाल इतना ही। आप सभी लोगों को एक बार फिर से हमारी पूरी टीम की तरफ से जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।